welcome back to my channel. Hope you all are doing great. If you're watching my face for the first time, then do not forget to subscribe my channel. As you all can see, today's title, आज आप लोग जो शेयर करने वाली हूँ मेरा मिंत्रा हॉल. होप आपको ये पसंद आए. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को भी हिट कर देना, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके. सो यस, विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड. शेयर करने वाली हूँ कुछ कपड़े और वॉच तो नहीं है, सॉरी. हाँ, कुछ बैग वगैरह, मतलब जो जो मैंने अभी मिंत्रा से रिसेंटली परचेज किया वो सब मैं आपको दिखाने वाली हूँ. होप आपको प्रोडक्ट्स अच्छे लगे और इन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एज वेल एज आपको स्क्रीन पर भी कहीं ना कहीं इन सबकी पिक्चर्स दिख जाएंगी, जिससे कि आप इजिली इन प्रोडक्ट्स को बाय कर सकते हैं. सो यस गाइस, फर्स्ट मैं बात करने वाली हूँ ये हील्स की. तो ये है कैटवॉक की. एंड गाइज, ये बेज हील है. मैंने बहुत टाइम से, लाइक बहुत टाइम इन द सेंस कि 5 साल पहले ही पहनी थी. उसके बाद मैं ना लाइक हील्स वगैरह ज्यादा पहनती हूँ, पेंसिल हील वगैरह, बट इस बार मैंने ये मंगाया एंड दिस इज सो गुड. और इसका कलर भी काफी अच्छा है, लाइक ये आपको वेस्टर्न में भी आप इसे पहन सकते हो, जीन्स टॉप के साथ भी पहन सकते हो और इंडियन में भी काफी अच्छे से जाएगा. इसका कलर बहुत ही ज्यादा अच्छा है. मैंने ना स्पेशली कलर की वजह से इसको मंगाया था, तो आप ये देख सकते हैं. और इसमें जो मेरा साइज है वो है 8, और पता नहीं ये 8 मुझे क्यों आ गया, लाइक वैसे ये 40 है शायद, मे बी जिस हिसाब से मुझे याद है. तो गाइज ये देख सकते हैं, ये स्ट्रेचेबल है यहाँ से इस टाइप से एंड बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल. एंड गाइज, अगर आपको हील्स खरीदना हो तो आप इसे डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है. और मिंत्रा की बात करूँ तो इसमें कैटवॉक के जो परचेज है वो, मतलब अगर प्राइस की बात करूँ तो बहुत ही कम है, लाइक बहुत कम. बहुत अच्छा डिस्काउंट चलता है कैटवॉक के हील्स पे, तो आप ये डेफिनेटली बाय कर सकते हैं. मुझे ये हील्स काफी ज्यादा पसंद आई. तो यस, अभी तक मैंने इनको नहीं पहना, शायद एक बार एक दो, हाँ, सो मैंने इसको अभी एक बार ही पहना ऑन माई बर्थडे. तो यस, और आगे भी पहनूंगी तो आप लोगों से पिक्चर्स भी शेयर. सेकंड है ये ड्रेसबेरी का वॉलेट. एंड मुझे काफी टाइम से ना एक अच्छा सा वॉलेट चाहिए था. वैसे मेरे पास लाइक लोकल मार्केट से काफी सारे वॉलेट थे, बट मुझे एक अच्छा सा वॉलेट चाहिए था, लाइक कभी मैं कहीं जा रही हूँ तो एक लाइक इसी टाइप से कैरी कर ले, जिसमें आप अपना ATM वगैरह, कैश वगैरह, जो भी आधार कार्ड वगैरह डॉक्यूमेंट्स को कैरी कर सकते हैं इजिली. तो आप देख सकते हैं काफी ज्यादा अच्छा, और इसका कलर इतना ज्यादा ब्यूटीफुल लगा, लाइक प्योर डार्क ब्लैक होता है. एंड गाइज, इसका डिजाइन देखिए कितना अच्छा डिजाइन है. इसमें मैंने अपनी पिक्चर रख ली एंड एक छोटी सी कि खो जाए तो कोई मुझे दे जाएगा ढूंढ के. और ये इसमें लाइक ATM वगैरह मैंने कैरी कर लिए, और इसमें यहाँ पे आप कैश भी रख सकते हैं, लाइक अगर आपके पास नोट वगैरह है तो आप इसमें कैरी कर सकते हैं. एंड इसमें एक आपको एक चैन भी ऐसे मिलेगा. एंड गाइज, इसका मटेरियल की बात करूँ तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है. इसका जो लेदर है बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, और इसका प्राइस भी आपको मतलब मैं स्क्रीन पर कहीं लगा दूंगी. एंड गाइज, यहाँ पे इस टाइप का आपको चैन का मिलेगा, जहाँ पे आप, और अगर आपको थोड़े बहुत चिल्लर वगैरह है तो आप इसके अंदर रख सकते हैं. तो यस, मैं चिल्लर्स वगैरह भी बहुत ज्यादा कलेक्ट कर लेती हूँ, क्योंकि काम आते हैं मुझे बहुत सारे. और ये टैबलेट वगैरह मैं रखती हूँ सर दर्द की, ये बहुत जरूरी है क्योंकि मैं ट्रेवल वगैरह पे जाती हूँ तो मुझे तो बहुत ज्यादा सिर में दर्द होता है, तो ऑलवेज मेरे साथ रहती है. तो ये वॉलेट है एंड गाइज, बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छा है. एंड मैं इसको हाईली रिकमेंड करूंगी कि अगर आप कोई वॉलेट चाहते हैं तो ड्रेसबेरी का डेफिनेटली ले सकते हैं. एंड गाइज, ड्रेसबेरी का ब्रांड मतलब बहुत ज्यादा अच्छा है. अगर आप मिंत्रा की बात करो ना, तो जो भी प्रोडक्ट्स है ना, मैंने 2-3 प्रोडक्ट ट्राई किए ड्रेसबेरी के, मुझे सारे बहुत ज्यादा अच्छे लगे. तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है मिंत्रा पे, तो आप इससे डेफिनेटली इस ब्रांड को ट्राई कर सकते हैं. सो यस, ये था मेरा नेक्स्ट मैं बात करूंगी ये मिंत्रा के. मतलब मेरे पास बहुत सारी ऐसी पॉली बैग हैं, बहुत सारी, बट मैंने सारी फेंक दी क्योंकि इतनी सारी का करना क्या था. तो गाइज, इसमें है मेरे 2 क्लच, एक तो है पार्टी वेयर और एक है डेली यूज. मतलब लाइक ये तो है कि आप वेस्टर्न के साथ पहन सकते हैं, इंडियन के साथ लाइक इसे लगा सकते हैं, और एक मैंने ऐसा लिया है जो जीन्स टॉप के साथ डेली बेसिस पे आप उसे यूज कर सकते हैं. तो गाइज, ये देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा अच्छा है. ये गोल्डन कलर का ऐसे रिसीव्ड होगा, और इसमें इस टाइप का आपको एक बकल भी रिसीव्ड होगा, और ये ऐसे ओपन होता है लाइक. एंड ये इसमें आपको एक चैन मिलेगी, जैसे आप स्लिंग बैग, एज ए स्लिंग बैग इसे लगा सकते हैं, और एज ए क्लच भी आप इसको यूज कर सकते हैं. 2-in-1 है. एंड गाइज, जो इसका लाइक इसका ब्रांड है वो है लीनो पिरोस मे बी, एंड बाकी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा.
सो आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और ये वाला ऐसा है कि खराब नहीं होगा, इसका मटेरियल काफी ज्यादा अच्छा है, इसमें एक गोल्डन शाइन है आप देख सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसकी चैन की क्वालिटी अगर मैं बात करूँ तो थोड़ी सी कम अच्छी लगी मुझे, अगर मैं मेरे सेकंड क्लच के साथ इसका कंपेयर करूँ तो, बट अदरवाइज ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड मैं इसको हाईली रिकमेंड करूँगी। बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है लगाने के बाद, और एक ऐसा क्लच मुझे बहुत टाइम से चाहिए था तो मैंने मंगा लिया, और ये मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। और अगर मैं अंदर से बात करूँ तो इसमें आप बस एक फ़ोन और एक दो लिपस्टिक वगैरह ही रख सकते हैं, बाकी बहुत सारा सामान इसमें नहीं आ सकता क्योंकि सिर्फ इसमें एक इसी टाइप का आपको रिसीव होगा। सो यस, ये है मेरा फर्स्ट क्लच। सो गाइज, नेक्स्ट है ये मैंगो का क्लच, या स्लिंग बैग, ये क्लच तो नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो चैन है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत काफ़ी हैवी लगी मुझे, और इसमें ये वेलवेट का कपड़ा है, बट ऐसा मत सोचना कि वेलवेट है तो ख़राब हो जाएगा, ये वाला वैसा वेलवेट नहीं है। इसके कॉर्नर्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें ये लेदर का लगाया हुआ है जिससे कि लाइक आप रखो तो ये ख़राब ना हो वेलवेट, एंड इसमें ये बहुत अच्छा सा आगे डिज़ाइन दिया हुआ है, और इस टाइप से ये ओपन होता है, इसमें भी आपको वन पॉकेट रिसीव्ड होगा एंड बस ये है। एंड गाइज, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, लाइक गोल्डन और ब्लैक कलर का, इसे आप जीन्स वगैरह के साथ बहुत ही स्टाइलिश तरीके से लगा सकते हैं, आप साइड करके भी लगा सकते हैं। यस, ये वाला क्लच का जो प्राइस है वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा। तो यस एंड गाइज, बीच में ही अभी मैं वीडियो शूट कर रही थी तो ना मतलब मिंत्रा से एक पार्सल और रिसीव हुआ है जिसको मैं अभी आप लोगों के साथ ही ओपन करने वाली हूँ। तो यस, ये है ये H&M का टॉप, मैंने एक मंगाया था और ये काफी दिनों से पेंडिंग में था पता नहीं क्यों, बट अभी ये आ गया, तो मैं इसको बहुत ही गंदे तरीके से ओपन करने वाली हूँ क्योंकि पहले दिन तो मेरे कोई काम आने वाली है नहीं। तो गाइस, ये रहा वो टॉप बहुत ही बड़ा टॉप है ये सो गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा टॉप रिसीव हुआ है, मतलब ये तो मैं सोच रही हूँ कहाँ पहनूंगी इतने बड़े टॉप को मैं। तो ये देख सकते हैं, ये ब्लैक कलर का, इसमें सेम व्हाइट कलर का मेरे पास है जिसमें मैं ना एक अपना वीडियो शूट भी कर चुकी हूँ, और मैंने लगा लिया मतलब उसका वीडियो भी डाला था, और मुझे इस टाइप की सैंडोज बहुत ज़्यादा पसंद है। ये टैंक टॉप है एंड गाइज, मेरा ऑडिशन है तो उसके लिए मुझे टैंक टॉप की ज़रूरत थी, ब्लैक एंड वाइट दोनों, तो मेरे पास जो वाइट है वो तो था बट ब्लैक नहीं था, तो मैंने सोचा कि ये मैंने मिंत्रा पे देखा और काफ़ी सस्ता मुझे रिसीव्ड हो गया, 300 रुपये का ये, बस इसमें मुझे कोई डिस्काउंट नहीं मिला क्योंकि मैंने ओनली यही बाय किया था, अगर मैं 2-3 टॉप और इसके साथ ऑर्डर कर देती तो इसमें मतलब 40 रुपये का डिस्काउंट समथिंग कुछ पड़ रहा था, बट मैंने ये सिंगल मंगाया इसलिए मुझे ऑन प्राइस रिसीव्ड हुआ है। तो गाइस, नेक्स्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये टॉप जो मैंने पहना हुआ है येलो कलर का, तो आप देख सकते हैं ये ऑफ शोल्डर है और इसमें ये डिज़ाइन है ना बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड गाइस, येलो कलर मेरा फेवरेट है तो येलो पहन के तो मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छा फील करती हूँ, बहुत रिफ्रेशिंग सा फील करती हूँ। एंड गाइस, आप देख सकते हैं इसका मटेरियल बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये ट्रिपल वी का है, नहीं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक वगैरह मिल जाएगी, तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा प्रिटी टॉप है ये। एंड यस, तो अब मूव करते हैं सेकेंड टॉप में, ये तो आपने पूरी वीडियो में देख ही लिया तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना चाहती। सो नेक्स्ट टॉप है ये हरपा का एंड ये ब्लैक कलर का है, और ये देखिए आप, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी टॉप है ये, नीचे से इसमें एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है एंड देखिए आप कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये टॉप। एंड अगर मैं बात करूँ, इसका एक ड्रॉबैक है कि अगर आप इसे लाइक स्कूटी वगैरह पे पहन के जा रहे हैं तो इसके नीचे आप सैंडो जरूर पहने, लाइक ट्यूब सैंडो, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा ऐसे उड़ता सा है, तो ये मुझे इसका एक ड्रॉबैक लगा। अदरवाइज अगर आप कार वगैरह में जा रहे हो तो ये काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है और पहनने के बाद ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लगता है, और इसका प्राइस भी मुझे काफ़ी ज़्यादा ठीक लगा, मतलब बहुत ही अच्छे प्राइस में मुझे बहुत ही अच्छे कपड़े रिसीव हुए हैं मिंत्रा से। एंड मैंने बोला था कि मिंत्रा माई वन ऑफ द फेवरेट ऐप आफ्टर शीन, क्योंकि शीन तो थी मेरी फेवरेट, तो गाइज ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बाकी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा कि ये पहनने के बाद कैसा लगता है, तो उससे आप और भी अच्छे से जज कर पाओगे कि ये कैसा लग रहा है। सो यस, अब नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ एक और टॉप, ये है मेरा नेक्स्ट टॉप एंड जो इसमें मेरा कलर है वो बर्जंडी, मतलब मेहरून कलर का टॉप है। एंड गाइज, ये बहुत ही अच्छा, लाइक इसमें शर्ट टाइप लुक आता है, बाकी आपको दिख जाएगा कि ये पहनने के बाद कैसा लगता है। तो ये इस टाइप से है, लाइक ऐसे है, और ये बाकी ऑफ शोल्डर है, ऐसे लुक देगा ये, और इसका फुल स्लीव से शर्ट टाइप लुक देता है पूरा, और आप देख सकते हैं ये बहुत ही स्टाइलिश सा भी है,
और जिसमें मेरा साइज है वो है एम, और मुझे लगता है कि इसमें मुझे ना एस साइज भी आ जाता है क्योंकि काफी लूज है मेरे, बट मुझे लूज कपड़े अच्छे लगते हैं, लाइक आप इसे टक इन करके पहन सकते हैं तो ये मतलब फिट फिट लगेगा, अच्छा लगेगा। तो यस, ये वाला टॉप मुझे बहुत ही ज्यादा प्रिटी लगा है, और इसका है ना मतलब अगर मैं बात करूं मटेरियल तो गर्मी के वाला ही है, बिल्कुल समर वाला है क्योंकि इतना अच्छा है, इसे पहनने के बाद बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती, लाइक ये बहुत बहुत ज्यादा कंफर्टेबल गाइस। और इसका भी जो ब्रांड है वो हर्पा ही है, क्योंकि हर्पा के मैंने दो टॉप बाय किए हैं और मुझे दोनों ही बहुत ज्यादा अच्छे लगे हैं। तो यस, ये टॉप है, ये फुल स्लीव्स है, आपको मतलब समर्स में काफी हेल्प करेगा, मतलब हेल्प इन द सेंस कि आपके लाइक टैनिंग वगैरह नहीं आएगी हाथ में, तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा मुझे। सो नेक्स्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ जीन्स, मैंने दो तीन जीन्स भी लिए, लाइक दो तीन नहीं ओनली दो, तो मैं वो दिखा देती हूँ आपको। सो गाइस, दोनों जीन्स जो मैंने लिए वो ओनली की लिए है, और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा, एक मैंने लाइट कलर लिया और एक मैंने थोड़ा सा डार्क। पहले तो मैं लेने वाली थी रोडस्टर की, बट मेरी फ्रेंड रिया ने सजेस्ट किया कि वो बहुत ही गंदा उसका कपड़ा आने वाला है तो वो तो बिल्कुल बाय मत करना, तो फिर उसने मुझे ओनली की सजेस्ट किया। एंड गाइस ट्रस्ट मी, इसका मटेरियल इतना ज्यादा अच्छा है कि मैं आपको बोलूंगी अगर आपको जीन्स लेनी है मिंत्रा से और रीजनेबल लेने, लाइक आपको 1500-1600-1700 हाईली 2000 रुपए आपको स्पेंड करने हैं और मतलब 2000 तक आपका बजट है तो आप इसे ले सकते हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ इसके कपड़े की तो बहुत ही ज्यादा अच्छा इसका स्टफ है, बहुत ही अच्छा और काफी स्ट्रेचेबल है, और जिसमें मेरा साइज है वो 30 है मे बी, एंड ये इसमें टैग वैग लगाए हुए हैं। बट ये जो भी मतलब मैंने जीन्स वगैरह लिए, टॉप वगैरह, ये ऑन प्राइस नहीं लिया, इन सब को मैंने डिस्काउंट में ही परचेज किया है। तो ये देख सकते हैं, ये स्काई ब्लू एंड व्हाइट है, और ये पहनने के बाद और अच्छे से समझ भी देख सकते हैं, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छी सी जीन्स है ये, एंड काफी क्लासी लुक देती है पहनने के बाद। तो ये तो थी मेरी फर्स्ट जीन्स, अब दिखा देती हूँ मेरी सेकेंड जीन्स। गाइस नेक्स्ट है ये ओनली की ही जीन्स, और इसमें जो मेरा कलर है वो है शायद रॉयल, थोड़ा रॉयल ब्लू से थोड़ा सा कम है, लाइट है मतलब, पर बाकी इस जीन्स को भी आप देखिए, ये बहुत ही ज्यादा प्रिटी है गाइस, बहुत बहुत ज्यादा अच्छा इसका स्टफ लगा मुझे, और गाइस इन दोनों का स्टफ बहुत अच्छा है और ये मुझे जीन्स बहुत अच्छी लगी। लाइक मैं बात करूँ ये ब्रांड की तो ओनली बहुत ही अच्छा ब्रांड है, एज वेल एज काफी अफोर्डेबल है, और इसमें जो मेरा साइज है वो है 29, वैसे तो 29 मेरे बहुत फिट आ गया था, बट एक मैंने 30 मंगा ली, 20 कोई बात नहीं, बेल्ट वेल्ट लगा के एडजस्ट हो जाएगा, वैसे तो फिट ही है, ऐसा कुछ भी नहीं, एक साइज से कुछ नहीं होता। इसमें नीचे से इस टाइप का डिजाइन दिया हुआ है तो अच्छा है, ये वाला अच्छा लग रहा है मुझे। तो गाइज ये था मेरा हॉल, होप आप लोगों को पसंद आया हो, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को भी हिट कर देना, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। सो यस गाइज, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर गाइज।